हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो देखना आपके लिए काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको लड़कियां पटाना ना पड़े और लड़कियां खुद आपको पटाने के लिए मेहनत करे, वो आपकी फैन बन जाए, लड़कियां आपकी दीवानी बन जाए। और ऐसा होता भी है, बहुत सारे लड़के होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में एक दो लड़कियां भी नहीं पटा सकते। लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे लड़कों को देखा होगा कि जिनके लिए लड़कियां पागल होती है, जिनके लिए बिल्कुल लड़कियां उनकी दीवानी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले इस चीज़ को समझने की ट्राई करते हैं कि लड़की पटाने के लिए क्या चीज़ें जरूरी होती है। तो बहुत सारे लोग इसके जवाब में आपको बहुत सारे आंसर देंगे, डिफरेंट डिफरेंट, कि इसके लिए अच्छा दिखना जरूरी होता है, कपड़ों पहनने का स्टाइल, लंबा होना, छोड़ा होना, छाती होना या बॉडी बिल्डिंग होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन मेरे पास इस क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल एक लाइन में आंसर है कि लड़की पटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक असली मर्द बनने की जरूरत है। तो इसके जवाब में आप मुझे श्योर ये बात कहोगे कि अरे भाई, हम जब से पैदा हुए हैं ऐसे मर्द के रूप में पैदा हुए हैं, हम मर्द ही है। तो आप मर्द ही हो, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप मर्द तो हो, लेकिन आप अपने सभी को क्या एक मर्द जैसी प्रेजेंट करते हो? आप समाज में, इस दुनिया में अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो? लड़कियों के सामने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो? क्या एक मर्द की तरह करते हो? अगर आप इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते होगे तो आई एम श्योर कि अब तक 5-6 लड़कियाँ तो कम से कम आपको प्रपोज कर ही दी होगी। ऐसा नहीं है तो आपको इस चीज़ में समझना है कि आपकी जो सभी है अपने आप को प्रेजेंट करने के बारे में, ये चीज़ आपको नहीं पता और कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। तो इस वीडियो में ये चीज़ तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको अपने आप को रियल में एक मर्द की तरह प्रेजेंट करने के लिए क्या चीजें सही तरीके से करनी है। तो बात कर लेते हैं कि हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहली चीज होती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो तब लोग आपको देखते हैं। तो पहली चीज होती है कि आपकी ग्रूमिंग, आप जिस तरह से अपने शरीर को लोगों को दिखाते हैं वो ग्रूमिंग के बारे में होती है। दूसरी चीज होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपके बोलने का तरीका। ये आपकी एक तलवार है जो बोलने का तरीका है। तो इस पर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि लड़के की नजरों में एक असली मर्द क्या होता है। तो लड़के की नजर में वो असली मर्द होता है जो लड़की से बहुत ही डिफरेंट होता है, बिल्कुल ही अलग होता है, वो असली मर्द होता है। तो लड़की में और आप में कोई चीजें मैच नहीं होनी चाहिए, इसके विरुद्ध उल्टी होनी चाहिए। यहाँ पे समझो, एक स्त्री होती है, एक मर्द होता है, दोनों क्या है, ऑपोजिट है। एक स्त्री है, एक मर्द है, तो एक दोनों से वो आकर्षित होते हैं। तो इसमें जरूरी ये चीज है कि दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। सेम हो गए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते हैं जिसमें लड़कियों जैसे कोई गुण नहीं होते। लड़कियों में क्या होती है, उसमें शर्म होती है, उसमें डर होता है, लड़कियों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसमें निर्भयता नहीं होती। तो वही चीज़ होती है उसके उलट लड़कों में होती है, उसमें शर्म नहीं होता, उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उसमें डेयरिंग होता है, उसमें पावर होता है, उसमें ताकत होती है, उसमें कठोरता और आज़ादी होती है। लड़कियों में ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसका मतलब है कि बिल्कुल ही उलट सुलट लड़कियां लड़कों में वो चीज़ें ढूंढती है जो उस खुद लड़की में नहीं होती। इन चीज़ को समझ लिया, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि लड़कियां लड़कों में वो चीज़ें ढूंढती है, उसे वो असली मर्द समझता है। लड़कियों में शर्म है तो लड़की चाहती है कि ऐसा कोई लड़का हो जिसमें कॉन्फिडेंस हो, वो आके खुद मुझको प्रपोज करे। लड़की खुद को कमजोर समझती है, हालांकि वो कमजोर नहीं होती। इसीलिए जो लड़के ताकतवर होते हैं, जो पावरफुल लड़के होते हैं, वो लड़कियों को अच्छे लगते हैं। पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी ना कि चुंबक के जो असमान ध्रुव होते हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, सेम ध्रुव कभी अट्रैक्ट नहीं होते। इसी तरह से आपको बिल्कुल ही उनके उलट सुलट बन जाना है। जो चीज़ें लड़कियों में है वो नहीं करनी। आप एक मर्द हो तो मर्द वाली हरकत करो, असली मर्द बनो, तभी लड़की आपको लाइक करेगी, पसंद करेगी। 90% लड़कियां चाहती है कि कोई लड़का है वो मुझे सामने से आके प्रपोज करे। वो लड़की उसको दिलो जान से चाहती है, फिर भी सामने से उनको जाके प्रपोज नहीं करेगी, क्योंकि लड़की में शर्म नाम की चीज होती है। और लड़की चाहती है कि उस लड़के में शर्म ना हो, वो मुझे सामने जाके प्रपोज करे। लड़कियों को यही चीज अच्छी लगती है। तो आपको इसका आंसर भी मिल गया होगा कि लड़कियां क्यों सामने से प्रपोज नहीं करती। दूसरी बात की बहुत सारी लड़कियों को बैड बॉयज पसंद होते हैं। शायद आप इस चीज में भी कंफ्यूज होगे कि लड़कियों को इतने ज्यादा बैड बॉयज क्यों अच्छे लगते हैं, हम तो बहुत ही जेंटलमैन आदमी है भाई, फिर भी लड़कियां हमको भाव नहीं देती, और ऐसे शहर के गुंडे, बदमाश और बैड बॉयज के पीछे क्यों पागल होती है? क्योंकि वो लड़कियां रियल में बहुत ही अच्छी लड़कियां होती है जो बैड बॉयज के पीछे भागती है। वो बहुत ही अच्छी लड़कियां होती है, फिर भी वो अपने से विरोध वाली चीज में अट्रैक्ट होती है। जो चीजें उसमें नहीं होती, उसमें तो बहुत ही अच्छाई पड़ी होती है, इसमें उसके जो अच्छाई तत्व है उसके विरोध में जाता है, जो उसमें बुरा होता है, ऐसे लड़कों से वो अट्रैक्ट होती है।
तीसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे ऐसे कपल देखे होंगे जो एक दूसरे का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट होता है, एक दोनों ही इंसान बहुत ही चेंज होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होगा। आपने उनके बारे में सुना होगा, उन दोनों को देखा होगा, आपको पता होगा कि ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन उन लोगों की लव स्टोरी बहुत ही अच्छी होती, कमाल की होती है, सक्सेसफुल होती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे दोनों के डिफरेंट स्वभाव से अट्रैक्ट होते हैं और एक दोनों को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए बहुत सारे कपल के ऐसे रिलेशन होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। एक अपोजिट साइड का अट्रैक्शन है जो अलग अलग चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, दोनों के साथ घर्षण होता है, एक दोनों को पसंद करते हैं। जो लड़कियां बहुत ही शांत होती है उसे अग्रेसिव टाइप के लड़के पसंद होते हैं, जो लड़की बहुत ही अग्रेसिव होती है उसे शांत टाइप के लड़के पसंद होते हैं। यानी कि सीधा मतलब है, सीधी टाइप है कि अपने से विरुद्ध वाली चीज लड़कियों को अच्छी लगती है, सिंपल बात है। तो हमारी मेन बात पे आ जाते हैं कि हम अपने आप की जो सभी है उसको एक मर्द की तरह किस तरह से दिखाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रूमिंग की तरह आपका ग्रूमिंग होगा वो बिल्कुल एक राजा की तरह होना चाहिए, एक शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। जिस तरह से आप हिटलर की छवि देख लो, जब भी कोई हिटलर की कोई पिक्चर देखोगे तो इसमें आपको पता होगा कि उसका जब आप देते हो तभी वो राजा की तरह लगता है। आपने पहले के राजा महाराजाओं के पहरवेज देखे होंगे, कितने शानदार होते, उसकी पगड़ी, उनके कपड़े, सब कुछ, उनके जूते कितने ताकतवर होते। आपकी भी पर्सनालिटी कुछ ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि यूनिक होनी चाहिए ताकि लड़कियों को लगे कि ये शक्तिशाली है। लड़कियों में ये सारी चीजें नहीं होती। आपका ग्रूमिंग आपकी शक्ति को प्रदर्शन करना चाहिए, ये ताकतवर दिखना चाहिए, होना ही होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आज किस तरह से चलते हो, आप किस तरह से बैठते हो, आप खाना खाते हो, तो आपकी स्टाइल क्या है, ये चीजों पे सारी लड़कियों की नजर होती है। आपको पता है कि लड़कियों सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करती है लड़के को। अगर वो एक रास्ते से गुजरे और आप किसी कोने में भी बैठे हो तो आपको लगता है कि आपने इसी पर उनको देखा, उन्होंने नहीं देखा, तो ये बात 90% गलत हो सकती है। 99 केसों में लड़की ने आपको देख लिया होता, क्योंकि उनके ऑब्जर्व करने की ताकत लड़कों से बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत अच्छी और कमाल की होती। तो लड़की आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करती है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का ख्याल रखें, लबाड़ की तरह ना बैठे, अच्छी तरह से आपको बैठना, चलना और उठना है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को नहीं एक असली मर्द को प्रेजेंट कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करते हैं कि आपका बोलने का तरीका किस तरह से। आपका बोलने का तरीका होता है वो आपकी एक तलवार होती है। लड़कों की ग्रूमिंग और उसकी बॉडी लैंग्वेज से सबसे ज्यादा असर लड़कियों पे करती है, तो वो होती है उनके बोलने का तरीका। ये एक आपका पावरफुल हथियार है जो आपको इसका यूज करना चाहिए। आपको बिल्कुल ही एक शब्दों का व्यापारी बनना है, आपको शब्दों की मायाजाल रचनी है, क्योंकि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो वो शब्द होते लड़की के कानों में जाते, उसके कानों के गए हुए शब्द उसके दिमाग में एक तस्वीर बनाती है, लड़की उस तस्वीर को देखती और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि आप कैसे इंसान हो, क्या हो, क्या नहीं। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि लड़की अपने आंखों से नहीं, लड़कों को अपने कानों से देखती है, अपने दिमाग से देखती है। जब आप कभी कुछ बोल रहे हो तो उसमें ताकत नजर आनी चाहिए, उसमें वो शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए, जिस तरह से हिटलर का था, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का है, वो लोग बिल्कुल एक शब्दों के व्यापारी जैसे थे। इस वीडियो में मैंने आपको दो ही चीज समझाई है, एक तो ये कि लड़कियों को अपने से विरुद्ध चीजें होती है वो अट्रैक्ट करती है, और दूसरी चीज ये कि असली मर्द लड़कियों की नजरों में असली मर्द क्या होते। आपको ये चीजें देख लेने की आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, कि आप अपने आप को असली की तरह प्रेजेंट करते हो। अगर यहाँ पे आपने कहीं पे चूक की है तो आपको इन चीजों को ऐड करना चाहिए। लड़कियां हमेशा से ओरिजिनल होती है, लड़कियां हमेशा से लड़कियों वाली हरकत करती है, इसलिए मर्द होते लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन मर्द होते कई बार मर्द वाली हरकत नहीं करते, इसलिए मोस्ट ऑफ लड़की उनको पसंद नहीं करती, उनको असली मर्द की तलाश होती है। तो आप भी इन चीजों को ऐड करिए और एक मर्द की तरह पेश आए, ताकि लड़की आपको सामने से प्रपोज करे, आपको लड़की पटानी ना पड़े। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शानदार वीडियो काफी शानदार लगा होगा। आपको अगर भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, और आप मेरी वीडियो चैनल पर पहली बार आए, आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं जो आपकी लव लाइफ को काफी हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।